नमस्ते वाला विद्यार्थियों, जय स्वामीनारायण। सजानन विद्यालय डिजिटल एजुकेशन अभ्यास श्रेणी में आप सब विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो वाला विद्यार्थियों, अपने पहला तासनी अंदर पाठ 9 केसा 16 ये आपणे જોઈ ગયા। હવે તેનો અભ્યાસ અને તેનો સ્વાધ્યાય આપણે જોવાનું છે। તો વિદ્યાર્થીઓ, અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ। એમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, આપકે ઘર મે પકાઈ જાને વાલી સબ્જીઓ કી સૂચિ બનાઈએ। તો ઇસમે ક્યા કરના હૈ, આપકે ઘર મે જો સબ્જીયા બનાઈ જાતી હૈ ઉસકા નામ યહાં આપકો લિખના હૈ। જૈસે કિ સેવ ટમાટર કી સબ્જી, આલુ ટમાટર કી સબ્જી, હરી પ્યાઝ કી સબ્જી, પત્તા ગોભી કી સબ્જી, પરવર કી સબ્જી, લૌકી કી સબ્જી, કરેલે કી સબ્જી, મટર કી સબ્જી, બેંગન કા ભરતા, ભીંડી કી સબ્જી, મટર પનીર, પાલક પનીર, આલુ, દમ આલુ, પત્તા ગોભી, મલાઈ કોફતા ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ। આપ આપકે ઘર મે જો ભી સબ્જી બનાતે હે વો ઓર આપકો જો સબ્જી પસંદ હે વો સબ સબ્જીઓ કા નામ આપકો યહાં પ્રશ્ન 1 મે લિખના હે। अब आया प्रश्न 2, सूची में से अपनी मन पसंद सब्जियों बताइए और क्या पसंद है उसका कारण दीजिए। अब आपने जो पहला प्रश्न में जो सब्जियों का नाम लिखा है उसमें आपको जो सब्जी पसंद है और कैसे पसंद है और क्यों पसंद है इसका नाम आपको यहाँ लिखना है। तो मैं थोड़ा उदाहरण आपूँ छूँ कि सूची में से मुझे भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता, मटर पनीर, पालक पनीर, आलू दम और लौकी की सब्जी बहुत पसंद है। उसका कारण है कि ये सब्जियों बनने के बाद खाने में खूब अच्छी लगती है। मज़ेदार स्वाद के कारण मैं ये सब्जियाँ खाता हूँ। प्रश्न नंबर 3, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, जैसे कि पालक, गाजर, सेब, लौकी। तो यहाँ क्या है, पालक, गाजर और लौकी सब्जियाँ है और सेब क्या है, फ्रूट है, फल है, बराबर। तो इसमें से हमको कुछ अलग सा फल निकालना है या फूल निकालना है, बराबर। चलो, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो यहाँ क्या आएगा विद्यार्थियों, यहाँ आएगा केला। क्या आएगा, केला। पपीता, मूली, आम और अनार। तो यहाँ तो 3 फल है, तो सब्जियों में क्या है, मूली, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो यहाँ क्या है, फूल है और धनिया सब्जी में आता है। मिर्च, अदरक, फूलगोभी, लहसुन। तो यहाँ क्या है, मिर्च, अदरक और लहसुन ये क्या है, ये सब्जियों नहीं है, ये क्या है, मसाले है। और फूलगोभी सब्जी है, तो यहाँ सब फूलगोभी आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें लिखा है हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियाँ कौन होती है, तो हरे रंग की सब्जियों का नाम इस प्रकार है, पालक, भिंडी, करेला, तुरई, मेथी, सरसों, बथुआ, बंद गोभी, पत्ता गोभी, सेम, मटर, सहजन, धनिया, ककड़ी, लौकी, कुंदरू और कटहल। फिर से पढ़ती हूँ, पालक, भिंडी, करेला, तुरई, मेथी, सरसों, बथुआ, बंद गोभी, सेम, मटर, धनिया, ककड़ी, लौकी, कुंदरू और कटहल। दूसरा प्रश्न है, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा, कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो विद्यार्थियों, करेला, मेथी, बथुआ जैसी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न नंबर 4,
प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो इस इकाई में कद्दू, कुंदरू, पालक, बथुआ, सहजन, कटहल, सेम, मूली, तुरई और प्याज जैसी सब्जियों का नाम आया नहीं है। अब आया पांचवा, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन सी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा घी, चीनी, दूध, मावा और सूखे मेवों की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर छः, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनती है। तो अपने एवं फल होय के एना अपने शाक पण बनावी शकीए छे, जेम के अमरूद, केला, पपीता, आम, सेब जैसे फल की सब्जी बनाई जाती है। अब यहाँ दिया है प्रश्न नंबर पाँच। तो विद्यार्थियों प्रश्न नंबर पाँच में चित्र का वर्णन कीजिए, ये सब्जी मंडी का चित्र है, इसका वर्णन हमें करना है। तो चलो हम करते हैं। चित्र, यह चित्र सब्जी मंडी का है। यहाँ फल और सब्जियाँ बिक रही है। फल और सब्जी खरीदने के लिए कई लोग यहाँ पे आए हैं। फलों और सब्जियों की दुकान सजी हुई है। सब्जी बेचने वाली जमीन पर सब्जी टोकरी में रखकर बेच रही है। सब्जी वाला लारी में सब्जियां सजाकर बेच रहा है। बाजार में लौकी, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, भिंडी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बिक रही है। फल की दुकान में कई प्रकार के फल सजे हुए हैं। मंडी में एक कुत्ता भी खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ दूर थोड़े कुछ पौधे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब्जी मंडी का सुंदर दृश्य है। पता चल गया, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन हमें ऐसे आपकी बुक में लिखना है। चलो आज इतना, प्रश्न नंबर छः और प्रश्न नंबर सात हम आगे देखते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न नंबर छः में चित्रों के आधार पर कहानी का कथन हमें करना है। तो चलो मैं इसका कथन करती हूँ। एक हाथी था, वह रोर पेस पेड़ के पत्तों को तोड़कर खा जाता था। वह पत्तों के खाने के साथ उनकी डालियां भी मस्ती से तोड़ देता था। तो खाने से ज़्यादा वह अपनी शरारत से सब पेड़ों को नुकसान पहुंचाता था। पेड़ ने उसे एक दिन समझाया कि तुम पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? पत्ते तुम खा सकते हो, उतना खाओ, लेकिन डालों को मत तोड़ो। हाथी समझ ना पाया, वह रोज अपनी शरारत करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि पेड़ों की छाया रही नहीं। अब क्या हुआ देखे, धूप बढ़ने लगी, गर्मियां अधिक पड़ने लगी, जिससे हाथी खूब परेशान हो गया और पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने का उसने संकल्प किया। हाथी ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, जिससे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। पेड़ को हाथी का यह काम पसंद आया और वह हाथी को दुआ देने लगा। हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। इस कहानी का अंत में क्या है, उसकी सीख क्या है? हमें पेड़ों और पौधों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी नुकसान पहुंचाने पर फिर हमारा ही नुकसान होता है, जैसा हाथी का हुआ। उसने क्या किया, पेड़ों का डालिया और पान तोड़ दिया। फिर गर्मी आई, गर्मी में पेड़ के नीचे आराम मिलता है, ठंडक मिलती है,
तो उसने हाथी ने तो पान सब तोड़ दिए थे, डालिया तोड़ दी थी, तो उसको गर्मी का सामना करना पड़ा, धूप का सामना करना पड़ा ना, इसलिए उसको नुकसान हुआ। इसलिए हाथी ने संकल्प किया कि अब मैं यह पेड़ों को नहीं तोड़ूंगा। तो हवे प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र को बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। इस दो चित्रों दिए हैं, इसमें हमको कुछ अलग अलग भेद है वो हमको बताना है। तो चित्र नंबर 1 में पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। पहाड़ के पास वृक्ष है, यहाँ वृक्ष नहीं है। किसान बैलों की मदद से खेती करता है और यहाँ फसल तैयार हो चुकी है। यहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो यहाँ मोर दाना चुग रहा है। यहाँ बकरी घास चर रही है, यहाँ बकरी एक सब्जियों का ढेर बकरी के पास एक सब्जियों का ढेर लगा है। यहाँ दो बच्चे खेत में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ एक बच्चा फल देख रहा है। इसका भेद हमने देखा, आपको आपकी बुक में ये दो खाना पाड़ी ने चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 एवी रीते एनो भेद अहीं आप तमारे लखवानो छे। तो चलो विद्यार्थीओ, आजे आटलू ज अभ्यास आपने पूर्ण कर्यो। पाठ 9 कैसा शोर एनो अभ्यास आपने पूर्ण कर्यो। हवे स्वाध्याय आपने नेक्स्ट तासमां जोईशुं। આવજો, જય સ્વામિનારાયણ।